गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो नेहा जायसवाल चैनल में स्वागत है। तो आज अब मैं दिखाती हूँ कि मैं कहाँ जाने वाली। आज मुझे मार्केट जाना है पूजा का कुछ सामान लेने, तो चलिए मैं मार्केट जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो आइए चलिए गाइस। तो गाइस देखिए, हम लोग मार्केट में शॉप पे आ गए हैं। यही पूजा का सामान है, हम लोग यहीं से पूजा का सामान ले जाते हैं। और भैया की दुकान पर काफ़ी कुछ अच्छा मिल जाता है और सब कुछ मिल जाता है एक ही जगह पर। तो देखिए मैं कुछ चीज़ देख रही हूँ। मैं उनसे पूछ रही थी कि भैया ये क्या है, ये क्या है। दुर्गा जी में छेद खा रहा था लड्डू गोपाल के कान में, वो पीतल वाले में छेद आता है। मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल के कान का है, उन्होंने बोला नहीं ये लड्डू गोपाल की कान का नहीं है। लगा छूने होने का रखते हैं क्या। हर चीज़ जैसे मरने वाला भी जो मरते हैं उसमें जो जो सामान लगते हैं वो सब आइटम इनके दुकान सब और मटेरियल यहाँ रखे हैं। क्या बात है, पूजा का सामान तो जो नहीं भी रहता है वो भी ये मंगा के हम लोग को दे देते हैं। तो हम लोग ज़्यादातर यही सोचते हैं कि इनके दुकान पर जाए। ये देख रहे हैं ये लड्डू गोपाल का ही लग रहा है कहीं, वो देते हैं लोग ना मरने वरने का वो होगा। ये क्या है भैया? तो क्या किस वो सब व्रत खत्म होता है। हाँ भाई, मुझे लगा ना जो मरते होते हैं ना तो पहनाते हैं लोग ना, सजावट होती है लड़की के लिए होता है तो माला डाल। अच्छा, और ये कान का, कान भी पहना। अच्छा, नाक के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल में भी छेद आता है ना, तो हम सोचे वही है। इसमें थोड़ा सा और बड़ा मिल जाए तो हम अपने हनुमान जी के लिए ले लें ना, हनुमान जी के लिए। वो बड़े भाई का काम है, बोलो। सब लोग अपना अपना काम बड़े बांट लिए। ऑरेंज दीजिए हनुमान दादा के लिए। कैसा है, खोली नहीं भैया? ये वाला नहीं, ये नहीं सही बैठ रहा। हम साईं बाबा के लिए ले गए ना, इस टाइप का नहीं सही बैठ रहा है, ढीला हो जा रहा है। निकल उनका टोपी तो आज तक मैंने पहना पाई। हाँ ये लगाऊं? हाँ लगाई, नहीं सही हो रहा है। वो मेरे हनुमान जी छोटे हैं इतने में, उन्हीं के लिए क्या ये टोपी भी रहता है कि केवल कपड़ा ही है? नहीं, टोपी नहीं सही बैठ रहा है, मैं ले गई हूँ। हाँ क्योंकि मैं लेकिन साईं बाबा के लिए ले गई वहाँ से बैठी ना, टोपी में निकाल के ऐसे ही फेंक दी हूँ, बल्कि ये ज्यादा बेटर है। वहाँ से ले गए थे ना? नहीं, साईं बाबा के लिए बाल नहीं ले गए थे, मैं उनके लड्डू गोपाल के लिए बाल ले गई थी। साईं बाबा के लिए नहीं, साईं बाबा के लिए टोपी ले गई थी। टोपी आज तक जब लगाती हूँ या तो उनका चेहरा लुट जाता है या तो गिर जाता है। टोपी गई ये उनका वो चोला। हाँ वो, हाँ चोला उनका ये ऐसे बांध तो थोड़ा सा वो ऑरेंज कलर दीजिए मुझे, ऑरेंज वाला दीजिए। हेलो ना, ये सही है ना? अच्छा लग रहा है, ऑरेंज वाला ज्यादा अच्छा है। ऑरेंज पहना ये सही है ना? ये वाला दे दीजिए भैया। कितने का है? थोड़ा सा और बड़ा नहीं दे देंगे? चलिए सुंदर कड़ा है, सुंदर है। एक शादी के दिन वाला सही होता है क्या भैया? इससे भी बढ़िया होता है, मगर उतना नहीं स्मेल कर रहा। तो देखिए गाइस, हम घर पे आ गए हैं और मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे का आने का टाइम भी हो रहा है। तो देखिए, मेरे पास पनीर रखी हुई थी तो मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और तेल गर्म हो रहा है। थोड़ा सा मैंने हींग भी डाल दिया है। देखिए यहाँ मैंने ये सगा प्याज जो होता है ना, वो प्याज भी रखा था तो मैंने उसको बारीक बारीक चॉप कर दिया है। तो देखिए मैं एक काट चुकी हूँ, दोबारा मैं काट रही हूँ इसको, क्योंकि बच्चा 12:30 बजे तक आ जाते हैं। तो हम लोग मार्केट चले गए थे तो आधा टाइम हम लोग का उधर ही निकल गया। तो मैं जल्दी जल्दी आई तो मैं सोची उसका लंच बना लूँ, ताकि आते हैं तो फिर परेशान होते हैं, उन लोग को कराटे भी जाना रहता है, तो जितना जल्दी खा के वो सोते हैं फिर उठते हैं, फिर वो कराटे के लिए भी जाते हैं। तो देखिए गाइस, मैंने प्याज डाल दिया है कढ़ाई में। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ प्याज डाल दिया है, मेरा प्याज लाल हो रहा है। देखिए इसमें मैं एक हरी मिर्च भी काट के डाल दूंगी, बच्चे तीखा कम खाते हैं तो इसलिए मैं एक हरी मिर्च काट के डाल दूंगी। उसके बाद मैं देखिए यहाँ इसको चला रही हूँ। देखिए एक मैं टमाटर भी लाई हूँ,
उसको भी बारीक बारीक काट लूँगी। मैंने इसको भी काट लिया है। मैंने टमाटर को अच्छे से पूरा काट लूँगी। तब तक मेरा वहाँ प्याज भी लाल हो रहा है। देखिए प्याज काट लिया है, यहाँ मेरा प्याज भी लगभग लाल ही हो गया है। थोड़ा सा और लाल करना है उसको। देखिए लाल हो रहा है। देखिए अब इसमें मैं कुछ मसाले डालूंगी, हल्दी डालूंगी। मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है। थोड़ा सा मैं गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालूंगी। थोड़ा कलर भी अच्छा आता है, इससे बच्चे अच्छे इंटरेस्ट खाते हैं। थोड़ा सा मैं जीरा पाउडर डालूंगी इसमें। अपने स्वाद अनुसार जितना आपकी पनीर है उसी हिसाब से आप डालिए। मेरा बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था, तो मैं इसी हिसाब से डाल रही हूँ। और थोड़ा सा मैंने अपने स्वाद अनुसार मैंने नमक डाला है। अब देखिए ये सब मसाले थोड़ा से लाल हो रहे हैं। मैंने इसमें मैं टमाटर डाल दी। टमाटर को थोड़ा सा एक दो मिनट के लिए भून के मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद उसको अच्छे से ढक दूँगी मैं, ताकि टमाटर अच्छे से स्लो करके मैं फ्लेम को स्लो कर दी हूँ। देखिए मैं यहाँ पनीर लाई हूँ, फ्रिज में मेरा पनीर पड़ा हुआ था, तो मैं पनीर को लाई हूँ और उसको ऐसे रफली तोड़ दूँगी। कई बार तो मैं ये कद्दूकस होता है ना, उसमें मैं घस देती हूँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छा होता है, मगर वो स्टफ़ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। मैं स्टफ़ के लिए हमेशा कद्दूकस करके ही भरती हूँ, तो मैं ऐसे ही रफली उसको तोड़ दूँगी। पनीर फ्रीज में रहते थोड़ा सा हार्ड भी हो गया था। देखिए यहाँ पे मेरे मसाले भी भून गए हैं लगभग। टमाटर भी देखिए कितना अच्छा गल गया है। अब इसमें मैं पनीर डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि जो पनीर हार्ड है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसमें मैं थोड़ा सा पास्ता मसाला डाल दूंगी टेस्ट के लिए। थोड़ा ही डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच से भी कम। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। देखिए कलर भी कितना अच्छा आ गया है। इसमें थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी डालूंगी। अब लगभग मेरा ये पनीर भुर्जी तैयार हो गया है। तो गाइज मैं अब हो गया है मेरा, हम नीचे जा रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया है बच्चे का आने का। और देखिए यहाँ टाइम, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको टाइम यहाँ दिखाती हूँ, देखिए क्या बज रहा है। 12:10 हो गया है, 12:10 हो गया है। तो मेरा बच्चा 12:15 हम लोग नीचे चले जाते हैं, वो 12:30 तक नीचे आ जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं नीचे लाने। तो आधे खाने में मैं छोड़ के जा रही हूँ कि फिर मैं आऊँगी तो रोटी बनाऊँगी, क्योंकि आज थर्सडे है तो मैं उसके लिए खिचड़ी नहीं बनाऊँगी। खिचड़ी नहीं बनाऊँगी और दाल चावल इतना वो मन से नहीं खाता और हम भी नहीं खाते इतना मन से। तो मैं सोची उसको रोटी और पनीर भुर्जी बना दूँगी तो वो अच्छे से खा लेगा। तो चलते हूँ, आप वीडियो में बने रहिए, मैं अभी लेके आती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ओके सर, आज कहाँ बैठा? आगे बैठे हैं सर। क्या? अरे कोई बात नहीं, आ जा आ जा। आगे मजा आया, चलो जाओ। क्यों नहीं, वो भी खा ला। रुक बेटा मैं बंद कर दूँ। क्यों? अच्छा शर्ट निकाल दिया था, चलो फिर गंदी बात आती मनी मस्ती सूझने लगता है ना। क्या गाइस, तो देखिए यहाँ ये आ गया है
और ये अपना बॉटल बैग में रखा है और मुझसे कह रहा है कि बॉटल मैंने छोड़ दिया है। तो मैं इसको पे गुस्सा कर रही हूँ कि बॉटल कहाँ रखे हो तुमने। तो इसने बाद में बताया मुझे कि बॉटल मैं फ्रिज में रखा हूँ। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने सारे कपड़े रखे हैं जो मैं इसको फोल्ड करने जा रही हूँ। तो गाइस देखिए, सारे कपड़े को मैं फोल्ड कर लेती हूँ, फोल्ड करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और कपड़े सुनते हैं गाइस कि कभी उल्टा नहीं रखा जाता है, उल्टा फोल्ड नहीं किया जाता है। तो अब मैं इसको, पहले मुझे नहीं पता था, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कपड़ा उल्टा फोल्ड करने से क्या होता है। तो अब देखिए मैं, तो गाइस देखिए, अब हम लोग लिफ्ट में जा रहे हैं। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बच्चे शाम हो जाता है तो बच्चे छत पे जाते हैं, तो हम लोग लिफ्ट के अंदर हैं। देखिए मेरा लिफ्ट है, अब देखिए हम लोग छत पे पहुँच गए हैं, सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। हम लोग रहते हैं सेकंड फ्लोर पे, ये है सिक्स फ्लोर पे। तो देखिए यहाँ हम लोग ऊपर आ गए हैं। देखिए मेरा छत का व्यू है, देखिए ये, देखिए ये ऊपर चढ़ा। देखिए ये बच्चे जिसके साथ खेलता है, इसका नाम परी है। अरे पियो, छोटे पियो, तुम ही घूम घूम घूम। और उसको भी मम्मा पापा ही पोस्ट कर पा लाल के लिए क्या हुआ, 100 रुपए की खरीद भाई। बोतल दो, चलो पोषण लगेगा सर जी, लो आपको जेल आ गया। नौटंकी जो सोचता है ना। शाम का टाइम हो गया है, अब हम लोग दिया हुआ जला दिया और मैं डिनर बनाने जा रही हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ कि डिनर में क्या क्या बनाती हूँ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ओके बाय बाय, मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं ख़त्म करती हूँ। ओके बाय बाय। तो गाइस देखिए,